हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इस तरीके का डिज़ाइन बनाना। देखिए ध्यान से, बहुत ही प्यारा है और बहुत इजीली आप बना लोगे, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी है। तो कैसे मैंने इस टाइप का डिज़ाइन बनाया है, कैसे पूरा सूट कम्प्लीट किया है और सिंपल सूट, स्लीवलेस सूट, कटिंग, स्टिचिंग की बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, जो कि आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती हैं। तो अगर आपको पूरा सूट, ये चौक कैसे बैठाएं, आर्महोल्स में पट्टी कैसे लगाएं, मेरे एक व्यूअर्स ने पूछा था कि मैम बताइए कि आर्महोल्स में पट्टी कैसे लगाएं, तो इस वाले वीडियो में मैंने वो डाल दिया है कि आर्महोल्स में पट्टी कैसे लगाते हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा एंड तक देख लीजिएगा और ये डिज़ाइन ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही प्यारा लगेगा। ब्लाउज या सूट जिस पर भी आप चाहो उस पर आप ये वाला डिज़ाइन ट्राई कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स सीखने के लिए और डिजाइनर ड्रेस से रिलेटिव वीडियोस देखने और सीखने के लिए। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो। गाइस, स्लीवलेस डिजाइनर ड्रेस कटिंग करने के लिए ये दो तरह कपड़े हैं, दो लेयर, उसके बाद इसको चार लेयर में इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और उसके बाद से कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से चार लेयर में उन्हें फोल्ड कर दिया है। उसके बाद से आपको यहाँ से लेना है, जितनी आपके शोल्डर की चौड़ाई हो उतना ले लेना है। मैं देखिए यहाँ पे 2 इंच ले रही हूँ। सिंपल सूट की तरह ही कट करना है इसको। उसके बाद से कैसे कट करना है पूरा वीडियो देखते रहिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच पे निशान लगा लिया है। उसके बाद से 3 इंच यहाँ से लेंगे, मतलब टोटल शोल्डर की चौड़ाई रहेगी 5 इंच। ओके, तो इस तरीके से 2 और 3 इंच पर निशान लगा लिया है। यहाँ से लेंगे आर्महोल्स की लंबाई 6 इंच और चौड़ाई हमारी जितनी छाती की साइज होगी उतनी, तो यहाँ पे 34 है तो 8.5 इंच पे एक निशान लगा ले रहे हैं। और यहाँ से 14 इंच पे एक निशान लगाएंगे कमर की फ़िटिंग के लिए, फिर 14 इंच पे एक निशान लगाएंगे हिप की फ़िटिंग के लिए, फिर यहाँ पे जितना आपका पेट का साइज़ हो उतना आप यहाँ पे लगा लोगे। यहाँ पे मेरा 32 था तो मैंने 8 इंच पे लगाया है और यहाँ पे 34 था तो 8.5 इंच पे। ओके, तो इस तरीके से इसको मिला दिया गया है। और यहाँ से फिर 1.5 इंच पे जो कटिंग के लिए कपड़ा लेना है वो हमारा फिटिंग है तो उसको कट नहीं करना है, ये 1.5 इंच अधिक से अधिक ले ले रहे हैं, इसको कट करना है। तो इस तरीके से निशान लगा के यहाँ से इस तरीके से मिला देना है। आर्महोल्स में गुलाई देनी है हमको 1.5 इंच पर, तो 1.5 इंच पे इस तरीके से गुलाई का निशान लगा लिया है। अब इसको कट कर लेंगे। टोटल लंबाई कितनी है तो यहाँ पे 38 इंच की टोटल लंबाई है हमारी सूट की, तो अभी कट कर लेते हैं। तो जैसे जैसे निशान लगाया हुआ है सेम उस तरीके से कट करना है। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा है, ऊपर नीचे है, तो यहाँ से कट करके पहले बराबर कर देंगे कपड़े को। ओके, और अभी जैसे जैसे निशान लगा हुआ है वैसे वैसे कट कर देंगे। तो हमको अंदर के साइड वाला निशान कट नहीं करना है, बाहर वाला ही कट करना है। ओके, इस तरीके से। उसके बाद से आर्महोल्स की जो गुलाई दी हुई है उसको कट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद से जो हमको हिप पे चौक बैठाना है वहाँ पे थोड़ा सा कट लगा देंगे ताकि बार बार नापना ना पड़े, इससे इजी हो जाता है सिलाई करने में। अभी जो हमारा शोल्डर है, कंधा, उन दोनों को अलग अलग कर लेंगे और डिजाइन देना स्टार्ट करेंगे। तो इन दोनों को इस तरीके से कट करके अलग अलग कर लिया है, सॉरी कट कर रहे हैं अभी। बहुत सारी वीडियो हैं चैनल पे स्लीवलेस ड्रेस, डिजाइनर ड्रेस, पूरा स्टेप बाय स्टेप सिलाई का भी कोर्स मैं बताते जा रही हूँ अपने चैनल पे। तो गर्ल्स, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो इस तरीके से लिया है, तो ये पहले हम फ्रंट वाले पल्ले की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से लेंगे चौड़ाई 2 इंच, जैसे सिंपल सूट में कट करते हैं वैसे ही ले लेंगे, 2 इंच चौड़ाई ले लेंगे। सॉरी कैमरा थोड़ा धुंधला, अभी ठीक हो जाएगा, तो देखते रहिए। 2 इंच यहाँ पे चौड़ाई ले लिया है। सॉरी ये आगे वाला पल्ला है, पीछे वाले की अभी कटिंग करेंगे, पीछे वाला सिंपल कट करना है। और यहाँ से 3 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दिया है, पहले 2 इंच चौड़ाई ली है फिर नीचे 3 इंच लिया और इस तरीके से गोल गला, मतलब वी टाइप का थोड़ा सा बना दिया जाएगा। फिर आपको जितनी लेंथ चाहिए सूट की उतना ही लगा लीजिए, मैंने यहाँ पे 6 इंच पे लगा दिया है। तो ऊपर वाला जो लंबाई लगाई है वो वाली कट करनी है, जैसे जैसे निशान लगा है वैसे वैसे कट कर देते हैं। तो ये देखिए ऊपर वाला कट कर देंगे, नहीं तो आपका गला ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा।
इस तरीके से कट कर लिया गले को, और जो हमने ये 3 इंच पे निशान लगाया था इस तरीके से कट कर देंगे, और यहीं पे हमको डिजाइन बनाना है। और ये जो कपड़ा कट हो रहा है इसको फेंकना नहीं है, इसी में हमारा डिजाइन अटैच होगा, मतलब इसी में डिजाइन को स्टिच करना है। तो इस तरीके से आगे वाले पल्ले को कट कर दिया है, बैक वाले में सिंपली गोल गला कट कर लेना है। तो ये आगे वाला कट हो गया और ये पीछे वाला पल्ला है। पीछे वाले पल्ले के लिए आपको सिंपली गोल गला कैसे कट करते हैं वो भी देख लीजिए। तो गोल गले की कटिंग करने के लिए आपको जैसे ये वाला सूट हमने कट किया, जैसे जैसे इसका आर्म होल्स है वैसे वैसे आप पहले निशान लगा लो ताकि चौड़ाई इधर उधर ना हो जाए। गले की जो चौड़ाई लगानी है वहाँ पे इस तरीके से रख दिया है मैंने पीछे वाले पल्ले पे। आगे वाले पल्ले को अच्छे से यहाँ पे रख देने के बाद से और इस तरीके से निशान लगाएंगे। आपको जितनी लंबाई चाहिए सूट की उतना आप ले सकते हो। तो ये पहले मैंने इतना ही सोचा, बट जिसका सूट है उन्होंने बोला कि थोड़ा सा लॉन्ग कर दीजिए। मेरी सिस्टर इन लॉ का सूट है, बट मैंने पहन के ही पिक क्लिक करवाई थी। तो ये देखिए इस तरीके से गोल गले का निशान लगा दिया है और इसको भी कट कर लेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा कि कपड़ा कहीं से मुड़ा ना हो, नहीं तो आपका गला गले की कटिंग ख़राब हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे कट कर दिया है। अभी डिज़ाइन के लिए कपड़ा कट करेंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंट कपड़ा लीजिएगा तो आपका वर्क ज़्यादा मतलब डिज़ाइन जो आपने बनाई है वो अच्छे से दिखेगा। तो थोड़ा सा मैंने गले की चौड़ाई और बढ़ा दी, ये देख लीजिए गोल गला है ना। तो चलिए डिज़ाइन कैसे कट करना है वो देखते हैं। तो आगे पीछे का पल्ले की कटिंग तो हमारी हो गई है। अभी आर्म होल्स में पट्टी कैसे लगाते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है, तो पूरा वीडियो थोड़ा सा भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और आज मैंने वीडियो फास्ट नहीं की ताकि आपको ज़्यादा मतलब अच्छे से समझ में आ पाए, क्योंकि आप ही लोग बोलते हैं कि मैम वीडियो फास्ट मत करिए समझ में नहीं आता है, इसलिए। तो इस कलर का मैंने इसी का कपड़ा है, तो ये वाला कपड़े से डिज़ाइन बनाऊंगी। तो इतनी छोटी छोटी टुकड़ों में इसको काट लेना है, 6 पीसेस कटने हैं, 6 पीस कट करने हैं, तो सेम साइज़ के होने चाहिए। तो यहाँ से इस तरीके से कट कर लिया है, तो ये ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से स्टिच करना था यहाँ पे और इसको अटैच करना है। 3-3 पीसे एक डिज़ाइन में लगानी है, जो आपने कट किया था शोल्डर में से कपड़ा उसी पे अटैच करना है, उससे ज़्यादा चौड़ा पतला नहीं लेना है। तो उस कपड़े को ध्यान से रखिएगा, फेंकिएगा मत। तो ये कपड़ा है, ये ज़्यादा चौड़ा और लंबा लग रहा है, तो इसमें से डबल पीसेज कर देते हैं और उसमें हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये हो गया, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऐसे स्टिच करेंगे और इस तरीके से ये डिज़ाइन बनेगा। ओके, तो किस तरीके से बनाना है वो आप वीडियो में देख लीजिएगा। ये 6 पीस हमने कट कर दिए हैं, सबको अलग अलग कर लेते हैं। तो चलिए अभी कैसे सिलना है वो बता देती हूँ मैं आप लोग को। तो सबसे पहले मैं ये डिज़ाइन ही बनाऊँगी, ज़्यादा मैं इस डिज़ाइन पे ही फोकस कर रही हूँ इस वीडियो में। बाकी आपको स्लीवलेस सूट कटिंग, स्टिचिंग, कॉलर कैसे लगाना चाहिए, कॉलर्स वाले सूट की कटिंग कैसे करनी चाहिए, सिंपल सूट की कटिंग कैसे करनी चाहिए, बहुत सारी वीडियोज हैं, आप जाकर प्लीज़ चेक कर लेना। ब्लाउज, डिजाइनर ब्लाउज, स्लीवलेस ब्लाउज, बैकलेस ब्लाउज, बहुत सारी वीडियो हैं, आपको जो भी देखना हो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा। मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें चले जाइए, प्लेलिस्ट में जाके एक है सिलाई करना सीखें प्रीत तिवारी और एक है ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स। तो आपको ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखना तो ब्यूटी पार्लर वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, और सिलाई का सीखना तो सिलाई वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पे सारी वीडियोस मिलेंगी। तो इस तरीके से सिल लेना है इसको उल्टी साइड से और इसको पलट लेना है। ओके, तो इस तरीके से पलट लेना है। ओके, तो इसको पलटने के बाद से बीच में हमको चाहे तो गांठे लगा सकते हैं, लेकिन गांठे लगाने पे ज़्यादा इसका हाइट छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस पर सिलाई मार सकते हो। आप चाहो तो इस पर मोतियाँ बैठा दोगे तो और भी प्यारा लगेगा, मैंने मोती नहीं लगाई है यहाँ पे। तो इस तरीके से पकड़ के और बीच में सिलाई चला देनी है। तो चलिए सिलाई चला के दिखा देती हूँ, इस तरीके से है और इस तरीके से इसको पकड़ना है और यहाँ पे रख के बीच में एकदम सेंटर में एकदम सिलाई चला देनी है। इस टाइप से इसका डिज़ाइन बनना चाहिए।
तो बार बार इस पर लॉक कर देंगे ताकि अच्छे से हमारा डिजाइन जो बनाना चाहते हैं वो बन जाए। तो ये हो गया और मैं अभी दिखा देती हूँ आपको कि कैसा डिजाइन बना है। इसी तरीके से छह पीसों को बना लेना है। तो ये देखिए इस तरीके का डिजाइन बन गया ये। अब इसी तरीके से सारे पीसों को रेडी कर लेना है। तो सारी पीसेज को मैं रेडी करके और दिखा देती हूँ कि कैसे बनाना है। तो ये देखिए इस तरीके का बनाया है। इसी तरीके से सेम आपको जितने भी कट किए हुए टुकड़े हैं सबको डिजाइन बना देना है। सिल के पलट लीजिए, ये सारी पीसेज को मैंने बना लिया डिजाइन। और अभी जो हमने शोल्डर के पास से कपड़ा कट किया था उसको लेंगे और इन सबको उसमें अटैच करेंगे। तीन तीन पीस एक एक शोल्डर में अटैच करना है। अब कैसे करोगे वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है धागा दिख रहा है उसको कट कर लीजिए। फिनिशिंग पूरा फिनिशिंग लुक आना चाहिए। तो इन सब डिजाइंस को इस तरीके से तैयार करने के बाद से ये जो हमने कपड़ा शोल्डर में से लिया था इसको भी पलट के स्टिच करेंगे। स्टिच करके सॉरी पलटेंगे। तो पहले मैं बता देती हूँ जॉइंट कैसे करना है। तो चलिए इसको पहले सिल के पलट लेते हैं। आप चाहो तो ऐसे भी पलट सकते हो, ऐसे मोड़ के सिल भी सकते हो, और लेकिन मैं इस तरीके से सिंपली इसको फोल्ड करूँगी इस तरीके से, और दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सिल के और इसको पलट लेंगे। पूरा अच्छे से समझाया, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा अगर आपको ये डिज़ाइन बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो। तो ये सिल लिया, अब इसको पलट लेते हैं। तो इस तरीके से पलट लिया है। अब जो हमारा जॉइंट वाला साइड है उधर ही हमको ये डिजाइन बनाना है। ऊपर वाला हमारा शोल्डर में जॉइंट हो जाएगा, जब कंधा जोड़ेंगे तो उसमें जॉइंट हो जाएगा। अच्छे से इसका नोक बाहर निकाल लेते हैं दोनों साइड से। और अभी जो हमारा ये डिजाइन है इसको इस तरीके से रखेंगे। तीनों डिजाइंस को एक साथ लगा लीजिए। थोड़ा सा इसको स्टिच कर लीजिए ताकि कपड़ा सरके ना, लॉक करके। और इसको सिलने के बाद से दो डिजाइन्स और बचती है हमारी, तो उनको भी लगा के सिल लेंगे इस तरीके से। तीनों डिजाइन्स यहाँ पे लगा दी है, अब इस पर सिलाई चला देंगे। ओके, तो मैं दिखा दे दूँगी कैसे सिलाई लगानी है। तो ये सिल लिया हमने, ये देखिए कुछ इस तरीके से सिल लेना है। ओके, अभी दूसरे वाले शोल्डर पे भी सेम इसी तरीके से सिल के जॉइंट कर लीजिए। तो दूसरे वाले को भी सिल के पलट लेंगे और उसमें भी इस तरीके से जोड़ लिया है। और अभी बारी आती है सूट में इसको जोड़ने की, सूट के शोल्डर पे। तो डबल सिलाई चला देते हैं ताकि ये वाला जो हमारा उठा उठा हिस्सा है वो अच्छे से बैठ जाए और फिनिशिंग आ जाए। तो इस पर सिलाई चला ली है, दोनों पे इसी तरीके से चला लेनी है सिलाई। ओके, धागे को कट कर लिया, दोनों पे इस तरीके से सिलाई चला देंगे। ओके, अभी चलिए इसको सूट में जोड़ के दिखा देती हूँ पूरा सूट की स्टिचिंग कटिंग। इससे पहले वाली वीडियो वो भी डिजाइनरी कुर्ती है, स्लीवलेस डिजाइनर ड्रेस, ये भी है स्लीवलेस डिजाइनर ड्रेस, तो अच्छे से देख के सीख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो हमने कट किया था इस पर पहले पट्टी लेंगे, सीधी पट्टी इस तरीके से कट कर लेंगे। और जो हमारा आर्म होल्स का स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट होता है वहाँ से आपको इस तरीके से इसको पूरा जोड़ना है। तो यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, डबल करके पट्टी को डबल करेंगे और नीचे की तरफ पट्टी को रखेंगे उल्टी साइड में, और सीधे साइड में कपड़े को रखेंगे और इस तरीके से इस पर सिलाई लगा लेंगे। ओके, तो ये सिलाई लगाने के बाद से इसको पलटेंगे और ऊपर से पट्टी की तरह इसको रेडी करेंगे और उस पर भी सिलाई लगा लेंगे। ध्यान से कीजिएगा, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना है। तो
तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद से इसको पलट के उस पर भी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। ओके, पता नहीं कैसे यहाँ की वीडियो थोड़ी सी फास्ट हो गई है, प्लीज़ डोंट माइंड। और उसको शोल्डर में जॉइंट कर देंगे कपड़े को। तो इस तरीके से आपको पट्टी को ऊपर, ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट करने के बाद से ये देखिए पूरा स्टिच हो गया है। और बीच में थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे। उसके बाद से यहाँ से इसको इस तरीके से पलटेंगे और ऊपर की तरफ से सिंपली सिलाई चला देंगे। ओके, इस तरीके से जैसे जैसे ये है पट्टी वैसे वैसे आप सिलाई चला लीजिए। तो मैं इस पर सिलाई चला लेती हूँ। इस तरीके से पट्टी को ऊपर की तरफ से लाएंगे, एकदम कोर पे पट्टी का जो लास्ट पॉइंट है वहाँ से सिलाई चलाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से अच्छे से फिनिशिंग देते हुए इस पर सिलाई चलाइए। और जहाँ पे मोड़ आता है वहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए और स्ट्रेट सिलाई चला दीजिए। ओके, पूरा पट्टी पे इस तरीके से सिलाई चला लीजिए। गाइस, जिसको भी ब्लॉगिंग वीडियो देखनी है प्लीज़ मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे चले जाइएगा, इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, वहाँ पे आपको मेरी ब्लॉगिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। ओके, तो चलिए पट्टी कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे का बताते हैं आपको। जिसको भी ब्यूटी पार्लर कोर्स में रिलेटेड वीडियो देखनी है प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, दो प्लेलिस्ट है मेरी, सिलाई करना सीखें और ब्यूटी पार्लर कोर्स, ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स। तो आपको जो चीज़ सीखनी है उसको उस पर क्लिक करके आप उसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। सिलाई वाला क्लिक करोगे तो सिलाई वाली वीडियो मिलेगी और ब्यूटी पार्लर वाले पर ब्यूटी पार्लर वाला। तो इस तरीके से शोल्डर पे इसको रखना है और ऐसे सिंपली सिलाई चला देनी है दोनों साइड से। ओके, तो ये हो गया। अभी दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से आपको डिज़ाइन को जोड़ देना है। तो यहाँ पे भी जोड़ लेते हैं ये वाला इस तरीके से, सिंपली ऊपर रख के और सिलाई चला देनी है। ओके, तो चलिए जोड़ के और फिर दिखाते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बनेगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं, उसके बाद से दिखाती हूँ। सूट मेरा नीचे गिर गया था तो ये दोनों पे मैंने जोड़ लिया है। कैसा लग रहा है आपको डिज़ाइन ज़रूर बताइएगा गाइस। अब इसका शोल्डर जॉइंट का पीछे वाले गले में गला पट्टी इस तरीके से लगा लेंगे और फिर कंधा जोड़ेंगे और आर्म होल पे पट्टी कैसे लगानी है वो देख लीजिए। तो ये कंधा जॉइंट कर लिया हमने। अब आर्म होल की पट्टी, ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है, यहाँ पर इस तरीके का कपड़ा कट करेंगे और वहाँ से इस तरीके से सिलाई कर देंगे। तो ऐसे सिलने के बाद से पूरा सिलाई चला लीजिए, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दीजिए। तो एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद से जो नीचे की तरफ है उसको इस तरीके से पलटेंगे, ऊपर की तरफ लाके हल्का सा फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ से पट्टी लगा देंगे। तो ऐसे ऊपर की तरफ से सिलाई चला लेंगे फोल्ड करते हुए मोड़ते हुए कपड़े को। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से आपको आर्म होल्स में पट्टी लगानी है।
तो ये हो गया। अगर आपका पूरा आर्म उसमें लगाना है तो सेम तरीका है, आप इसी तरीके से पूरे आर्म उसमें भी पट्टी लगाओगे तो देख सकते हैं आप। तो दूसरी साइड भी, और ये है डिजाइन, देख लो। मैं इसको पहन के भी दिखाऊँ, आपने थंबनेल पे देख ही लिया है। तो दूसरी साइड भी इसी तरीके से पट्टी लगानी है और सूट आपका फिटिंग करके कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है, मैंने पहना हुआ था सूट, तो उसका यहाँ पे मैंने एक दो पिक लगा दी है। कैसी लगी आप लोग को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छे से ये मेरा डिज़ाइन समझ में आ गया हो। तो अगर अच्छा लगा हो, डिज़ाइन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए।